मानो से बदतमीजी वो कर रहा है, बगाने तोते वो उड़ा रहा है, और ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की? हाय तो मेरे सरताज, आप तरबियत कर लेते, आप कौन सा हांगकांग गए हुए थे, फिर मिलके पाला है हम दोनों ने। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी वकी से इतला दिया आपने मुझे कि यहीं रहता हूँ मैं, मुझे ही कर लेनी चाहिए थी जी तरबियत, क्योंकि आपने तो अपनी सारी जिंदगी गारत कर दी अपने ताशी भाई के रिश्ते की तलाश में। अल्लाह करे वो हाथ ही टूट जाए जिन्होंने मेरे तारा को उड़ा दिया। आप कौन है? परी। हाँ, वो तो लग रही है, लेकिन है कौन से कोकाफ से रिश्ता हो गया है? मेरा मतलब है जी, मंगनी शन्नी हो गई है। आप क्यों पूछ रहे हैं? रिश्ता करवाता हूँ ना। परी को कोई जरूरत नहीं है आपके रिश्तों की, आप अपने रिश्तों को ना अपने पटारे में बंद करके रखें। वैसे भी परी की मंगनी हो चुकी है। यही तो मसला है, अच्छी और प्यारी लड़की लोग बास की तरह झपट के ले जाते हैं। वैसे अल्लाह बचाए ऐसे जालिम और जाबिर बाजों से जो मासूम परिंदों की परवाज बढ़ने से पहले ही ना उन्हें खत्म कर देते हैं। बहरी सुनाई नहीं देता? एक बात हजार बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि मैंने नहीं उड़ाया तुम्हारे तारा को। एक बार परी को सबूत मिल जाने दो, दिन में ना तारे दिखा दूंगी, बगैर पर के ना चांद पर पहुंचा दूंगी। आपकी मंगनी कहाँ हुई है? हाँ जी हुई है, है एक बेचारा, हाय किस्मत का मारा, जब तक जानता नहीं था मंगनी के लिए हाँ कर दी, जब जान लिया तो अमेरिका में छुप के बैठ गया, वापस ही नहीं आ रहा, अकेली रह गई। अगर कोई भी मसला है ना मुझे बताएं, एक दो अच्छे वाले रिश्ते हैं मेरे पास। आप ना परी को छोड़े, कोई अंधी लंगड़ी लूली यतीम मस्कीन लड़की ढूंढ के ना इसको ठिकाने पे लगा दें। परी आई दादी, जाबिर और जालिम लोगों को ना आईना दिखा रही थी। जरा उसी आईने में अपना चेहरा भी देख लीजिएगा मोहतरमा, दुनिया की अव्वल नंबर झूठी बिल्लू चौधरी पे बिला वजह के इल्जाम लगा रही है। निके हाँ चौधरी साहब, वाकई में इनकी मंगनी हो गई? मैं सदके ना जाऊं आपके परवेज भाई, हैं हमारा मामू बेचारा जिसके चेहरे पे झुरियां दस्तक दे रही हैं आने के लिए, उनका तो कभी नहीं सोचा चौथे महीने की आपको टेंशन हो गई है, रिश्ता करवाना है। आए आपको जरा दो कवारों के साथ टकराता हूँ, उनके लिए कोई अरेंजमेंट करिए। आज आज आए आप, लेकिन आज